हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें देखना है हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3, इसमें कौन सा डिनोमिनेटर होता है, कौन सा न्यूमिनेटर। तो हमेशा जब हमारा फ्रैक्शन 2/3 है तो हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर हमारा हो जाएगा, हमारा ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हमारा इक्वल टू 5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो हमें ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। तो जैसे 9/14 है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है, क्या हो जाता है डिनोमिनेटर हो जाता है और नीचे वाला, और सॉरी ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो 9 क्या होगा न्यूमिनेटर होगा और 14 क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। ऐसे 6/15 है, ऊपर क्या होगा न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर कितना होगा हमारा 6 होगा अपॉन डिनोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 15। ऐसे 6/20, न्यूमिनेटर कितना है 6 है, न्यूमिनेटर 6 है और डिनोमिनेटर कितना है 20 हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 7 हमारा क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर हो जाएगा, 7 इक्वल टू न्यूमिनेटर हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा 4 क्या होगा न्यूमिनेटर होगा, n हो जाएगा न्यूमिनेटर, n फॉर न्यूमिनेटर और 9 क्या होगा डिनोमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। ओके, तो इस ढंग से हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो थैंक यू।